गैस, द्रव और ठोस, जिसमें कि मुख्य अंतर है उनके बीच की दूरी का। अंतरणविक दूरी जो है उसका मान गैस से जब हम ठोस की तरफ जाते हैं तो वह कम होता चला जाता है, तो गैस में सबसे अधिक है और ठोस में सबसे कम है। इसी कारण से उनकी गतियां भी सीमित हो जाती हैं। गैस में ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेशनल तीनों प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, जबकि ठोस में यह केवल वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेटरी गति तक ही सीमित हो जाता है। द्रव जिसमें कि आकर्षण बल दोनों के मध्य में होता है, न अधिक ज्यादा होता है न अधिक कम होता है, ऐसी स्थिति में वाइब्रेटरी और रोटेटरी दोनों प्रकार के मोशन पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि जो गैस है, जो आदर्श गैस समीकरण रखा गया था PV=nRT, ये वास्तव में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही गैस के द्वारा इसका पालन किया जाता है। जो आदर्श गैस समीकरण जो कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से मिलकर बना था, सामान्य परिस्थितियों में गैस जो है वो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती है। इसका क्या कारण है? यह देखा गया कि आदर्श गैस समीकरण बनाते वक्त दो मुख्य कंसेप्ट रखे गए थे कि एक तो गैस के अणुओं के बीच में जो है दूरी अधिक बहुत अधिक होती है और गैस के अणु का आयतन जो है वो बहुत कम या नगण्य होता है। दूसरी बात कि गैस के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। परंतु वास्तव में जब वैज्ञानिकों के द्वारा इन तथ्यों को सत्यापित किया गया तो ऐसा नहीं था। गैसें कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आदर्श गैस की भांति व्यवहार बताती हैं, क्योंकि जब ये देखा गया कि गैस के अणुओं के बीच में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है और यही कारण है कि गैस को द्रवित भी किया जा सकता है। इन दुर्बल आकर्षण बलों को वॉन डर वाल्स आकर्षण बल या कोहेसिव फोर्सेस नाम दिया गया। यहाँ तक कि इस प्रकार का कोहेसिव फोर्सेस या बल जो है, दुर्बल आकर्षण बल जो है, वो उत्कृष्ट गैसों में भी पाए जाते हैं, जिसका एक प्रभाव हम जूल थॉमसन इफेक्ट की तरफ देखते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट में हम किसी गैस को छोटे से या पतले से नोजल से सीमित क्षेत्र से असीमित क्षेत्र में ट्रांसफर करते हैं, तो ये देखा गया कि गैस जो है वो हमें ठंडी प्रतीत होती है। इसका कारण क्या था कि गैस के अणुओं के द्वारा अपनी ही ऊर्जा का उपयोग करके उसका उपयोग विस्तार में किया और इसी कारण से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है उसका मान कम हो गया और कम होने के कारण से टेम्परेचर का मान कम हो गया, अर्थात गैस के अणुओं का तापमान कम हो गया। और इस प्रकार से यदि हम कई चक्र में यह करते रहे तो हम गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात वॉन डर वाल्स बल्स या किसी आकर्षण बल के पाए जाने की संभावना बनती है। इसी प्रकार से जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है, उनके अणु के आयतन को भी नगण्य नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कुल आयतन की तुलना में वह भी प्रभावी होते चले जाते हैं, जिसे बाद में वॉन डर वाल्स ने दो नए कांस्टेंट डालकर, ए और बी डालकर, एक नया समीकरण तैयार किया जिसे कि वॉन डर वाल्स समीकरण कहा जाता है।